कहानी की शुरुआत में हम एक पांडा भालू को देखते हैं। इसका नाम पेंग है। पेंग किसी खतरनाक जानवर से डरा हुआ था और ये उससे बचते हुए यहाँ से भाग रहा था। तभी इसके पीछे एक ड्रैगन आ जाती है। इसका नाम जिलोंग था। पेंग जिलोंग को देखते ही हंसने लगता है क्योंकि जिलोंग और पेंग दोनों बेस्ट फ्रेंड है और जिलोंग ही पेंग को खतरनाक आवाजें निकालकर डरा रही थी। इसके बाद दोनों यहाँ पर मस्ती करते हैं और फिर ये घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर हम जिलोंग के पिता को भी देखते हैं जो पांडा भालुओं के लिए बेम्बू के पौधों को पानी पिला रहे थे। जिलोंग के पिता जिलोंग से कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम से यहाँ से दूसरी जगह पर जाना है और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम पेंग और इसके माता पिता के साथ ही रहना। इसके बाद जिलोंग के पिता यहाँ से चले जाते हैं। जिलोंग अपने पिता के जाने से दुखी थी। तभी पेंग जिलोंग को खुश करने के लिए इसे जंगल की तरफ लेकर जाता है और दोनों मस्ती करते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। इधर हम अफ्रीका के जंगल में राजकुमार एड को देखते हैं। आज एड का जन्मदिन है और जंगल के सभी जानवर एड को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। एड के चाचा ओस्कार एड से कहते हैं कि इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा मंगवाया है जिसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इधर हम एक बंदरिया और एक मगरमच्छ को देखते हैं। इन दोनों को ओस्कार ने एक ड्रैगन पकड़ने के लिए भेजा था। जब दोनों जंगल के अंदर जाते हैं तो इन्हें यहाँ पांडा भालू और ड्रैगन जिलोंग नजर आती है। इसके बाद ये दोनों पेंग और जिलोंग के पास चले जाते हैं। जिलोंग और पेंग मगरमच्छ को अपने पास देखकर डर जाते हैं और इनसे बचते हुए गुफा के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन फिर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और दोनों जानवर इनके पास आ जाते हैं। मगरमच्छ जिलोंग को झट से एक बोरी में भर लेता है और बंदरिया पेंग को इस खाई में गिराकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पेंग यहाँ से दूसरे रास्ते से निकल जाता है और ये देखता है कि बंदरिया और मगरमच्छ दोनों जिलोंग को लेकर नाव की तरफ जा रहे हैं। अब पेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अपने मोम डैड के पास जाए या फिर अपनी दोस्त को बचाने। इधर जिलोंग भी मदद के लिए चिल्ला रही थी तो फिर पेंग जल्दी से अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाता है और ये मगरमच्छ से फाइटिंग करता है। लेकिन मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और ये पेंग को उठाकर नीचे पटक देता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। पेंग के इतनी कोशिश करने के बाद भी ये अपनी दोस्त को बचा नहीं पाता है और बंदरिया और मगरमच्छ जिलोंग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी पेंग को मगरमच्छ के पर्स से एक नक्शा मिलता है और इसे पता चलता है कि ये जिलोंग को अफ्रीका लेकर जा रहे हैं। तभी पेंग यहाँ पर एक नाव को देखता है और इसे पता चलता है कि ये नाव भी अफ्रीका जा रही है। तो फिर पेंग भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए इसमें बैठ जाता है। इधर रात होने पर पेंग के माता पिता पेंग और जिलोंग को पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे लेकिन इन्हें पेंग और जिलोंग का कहीं भी पता नहीं चलता है और ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर बंदरिया और मगरमच्छ जिलोंग को लेकर अफ्रीका पहुंच जाते हैं। जिलोंग भी अपने दोस्त से बिछड़कर बहुत दुखी थी। इधर पेंग भी कुछ देर के बाद अफ्रीका पहुंच जाता है और अब इसे यहाँ पर जिलोंग को ढूंढना था। तभी अचानक कुछ भेड़िए पेंग को खाने के लिए इसका पीछा करते हैं और पेंग इनसे जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। तभी एक छोटा बंदर यहाँ आता है और ये भेड़ियों को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर इन्हें बेवकूफ बना देता है। भेड़िए इस लकड़ी के डंडे को खाना समझते हैं और ये इस लकड़ी को लेने चले जाते हैं। इस बंदर का नाम जोजो था। जोजो के पूछने पर पेंग इसे अपनी दोस्त जिलोंग के बारे में बताता है कि एक बंदर और मगरमच्छ उसे यहाँ पर ले आए हैं और अब मुझे अपनी दोस्त को छुड़ाना है। जोजो पेंग से कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूँ लेकिन बदले में ये पेंग से इसके सोने का लॉकेट ले लेता है। पहले तो पेंग को जोजो पर भरोसा नहीं होता है लेकिन पेंग यहाँ किसी और को नहीं जानता था और इसे जिलोंग को भी बचाना था तो फिर पेंग जोजो के साथ चला जाता है। कुछ देर के बाद जोजो पेंग को एक बाड़े के अंदर लेकर जाता है। पेंग को यहाँ पहुँचते ही जोजो पर शक होता है क्योंकि ये जगह नक्शे में दिखाई जैसी नहीं थी। लेकिन तभी एक हिरण पेंग को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। जोजो पेंग को इसके बॉस शुतुरमुर्ग से मिलाता है। शुतुरमुर्ग भी एक पांडा भालू को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि शुतुरमुर्ग इस भालू को अपने सर्कस में नचाकर खूब पैसा कमाना चाहता था। इसके बाद ये पेंग को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। पेंग जोजो से बहुत नाराज था क्योंकि इसने पेंग के साथ धोखा किया। तभी इसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर हिरण आ जाता है और जोजो बाहर चला जाता है। इसके बाद जब रात में सभी सो जाते हैं तो पेंग अपने नाखूनों से इस जंजीर का लॉक तोड़ देता है और ये चुपके से यहाँ से निकलने लगता है। तभी जोजो इसे आवाज लगाता है और ये इसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है क्योंकि जोजो को भी शुतुरमुर्ग रात के समय बांध कर रखता था और अब जोजो भी यहाँ से निकलना चाहता था। इसके बाद पेंग जोजो को भी छुड़ाता है और इसे साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब पेंग और जोजो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और अब इन्हें शेर की पहाड़ी पर पहुँचने के लिए रेगिस्तान पार करना था। तभी इन्हें यहाँ पर एक ऊँट मिलता है और जोजो ऊँट को कुछ पैसे देकर इसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और फिर ये शेर की पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। इधर राजकुमार एड के पास इसका चाचा ओस्कार आता है और ये कहता है कि तुम्हारे लिए एशिया से गिफ्ट आ चुका है और तभी वो बंदरिया और मगरमच्छ जिलोंग को लेकर यहाँ आ जाते हैं। एड अपने गिफ्ट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तभी ओस्कार पिंजरे का पर्दा हटाता है और ये देखता है कि पिंजरे के अंदर एक ड्रैगन थी। ओस्कार एड को बताता है कि ये जानवर हमारी ताकत को दोगुना कर देगा क्योंकि इसके मुंह से बर्फ निकलती है। राजकुमार एड को अपने चाचा की बातें समझ नहीं आती है तो फिर ओस्कार जिलोंग को बाहर लेकर आता है और ये जिलोंग को धमकी देकर मुर्गे को बर्फ में जमाने को कहता है। लेकिन जिलोंग मुर्गे को मारना नहीं चाहती थी तो फिर ये मुर्गे को ना जमा कर अपनी ठंडी सांसें पेड़ पर छोड़ती है और ये देखते हैं कि ये पूरा पेड़ बर्फ से जम गया है। ये देखकर ओस्कार बहुत खुश होता है क्योंकि ओस्कार इस ड्रैगन की मदद से जंगल के सभी लकड़बग्गों को मारना चाहता था। इधर पेंग और जोजो रेगिस्तान को पार कर लेते हैं और ये देखते हैं कि आगे एक तालाब और हरियाली है। पेंग जल्दी से जाकर इस तालाब में पानी पीता है और तभी इसे यहाँ पर एक हिप्पो मिलता है। जोजो तो हिप्पो को देखते ही यहाँ से भाग जाता है। हिप्पो के गले में एक मेंढक फंस गया था तो फिर पेंग इसकी मदद करता है और हिप्पो के गले से मेंढक निकाल लाता है।
पेंग जोजो को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये देखता है कि शुतुरमुर्ग ने फिर से जोजो को पकड़ लिया है। इसके बाद शुतुरमुर्ग और हिरण इन दोनों को वापस अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने एक लकड़बग्गा आ जाता है। लकड़बग्गे को देखते ही शुतुरमुर्ग और हिरण यहाँ से भाग जाते हैं। लकड़बग्गा पेंग और जोजो के पास आती है। पेंग और जोजो भी इससे डरे हुए थे लेकिन ये इसे कुछ नहीं करती है। इस लकड़बग्गे का नाम नियाला था। नियाला जब पेंग के पास नक्शा देखती है तो ये इनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। पेंग इसे बताता है कि हम अपनी दोस्त जिलों को बचाने के लिए शेर की पहाड़ी पर जा रहे हैं। शेर की पहाड़ी का नाम सुनते ही नियाला रोने लगती है क्योंकि नियाला का घर भी शेर की पहाड़ी पर ही था। एक बार शेरों ने मिलकर लकड़बग्गों पर हमला कर दिया था और नियाला अपने परिवार से बिछड़ गई और तभी से ये इधर उधर भटक रही है। पेंग कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें भी वहाँ पर अपना परिवार मिल जाए। नियाला इनके साथ चलने को तैयार हो जाती है और फिर तीनों शेर की पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। इधर ओस्कार ने जिलोंग को एक गुफा में बंद कर रखा था। तभी राजकुमार एड यहाँ पर आता है। एड जिलोंग से बातें करने लगता है लेकिन जिलोंग अपने दोस्त पेंग को याद करके बहुत दुखी थी। इसके बाद एड जिलोंग का मुंह खोल देता है और ये जिलोंग से कहता है कि मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम नियाला था लेकिन वो एक लकड़बग्गा थी और शेर और लकड़बग्गे हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इसलिए हम सबसे छुपकर मिलते थे। इसके बाद एड जिलोंग से कहता है कि हम दोनों एक दिन मस्ती करते हुए लकड़बग्गों के इलाके में चले गए और तभी मेरे मोम डैड मुझे वहाँ पर ढूंढने के लिए आ गए। हम तो उन्हें देखकर छुप गए लेकिन फिर अगली सुबह झरने के पास हमें उन दोनों की लाशें मिली। चाचा ओस्कार ने बताया कि उन्हें लकड़बग्गों ने मारा है तो फिर हमारे दल ने लकड़बग्गों को उस इलाके से खदेड़ दिया और तभी मैं भी अपनी दोस्त नियाला बिछड़ गया। जिलोंग को एड का व्यवहार अच्छा लगता है और अब ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एड बाहर आकर अपने चाचा से जिलोंग को आजाद करने को कहता है ताकि वो अपने परिवार से मिल सके, लेकिन ओस्कार एड से कहता है कि मैं इस ड्रैगन की मदद से सभी लकड़बग्गों का सफाया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे माता पिता की जान ली है। एड कहता है कि हो सकता है मेरे माता पिता के साथ कोई हादसा हुआ हो और लकड़बग्गों ने उन्हें नहीं मारा हो, लेकिन ओस्कार एड की बात नहीं सुनता है और ये एड को डराकर इससे कहता है कि अभी मैं ही यहाँ का राजा हूँ और तुम सिर्फ मेरी ही बात मानोगे। इधर पेंग और इसके साथी एक नाले को पार करते हैं और नियाला इन्हें अपने इलाके में लेकर जाती है। पहले तो इसे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन फिर नियाला को यहाँ पर अपना पूरा परिवार मिल जाता है और नियाला फिर से अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। रात को पेंग और जोजो लकड़बग्गों के साथ ही रुकते हैं और नियाला अपने मोम डैड से कहती है कि हमें शेर की पहाड़ी पर जाकर पेंग के दोस्त को बचाना चाहिए, लेकिन नियाला की मोम इसे मना करते हुए कहती है कि जब तुमने राजकुमार एड से दोस्ती कर ली थी और तुम जंगल में खेल रहे थे तभी एड के माता पिता एड को ढूंढते हुए यहाँ पर आए और तभी नदी पार करते हुए एड की माँ नदी में गिर गई। एड के पिता भी एड की माँ को बचाने के लिए नदी में कूद गए लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दोनों नदी में बह गए और इतने ऊंचे झरने से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। एड के चाचा ओस्कार को भी उस हादसे के बारे में सब कुछ पता था लेकिन फिर भी वो लकड़बग्गों को दोषी बताकर हमें मार देना चाहता है। पेंग समझ जाता है कि जिलोंग को छुड़ाने में लकड़बग्गे मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर पेंग और जोजो दोनों शेर की पहाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी मगरमच्छ और वो बंदरिया इनके सामने आ जाती है। जोजो इन्हें देखते ही यहाँ से भाग जाता है और मगरमच्छ पेंग को पकड़ लेता है। इसके बाद ये पेंग को लेकर शेर की पहाड़ी में जाते हैं। पेंग यहाँ पर अपनी दोस्त जिलोंग से मिलता है और ये अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी ओस्कार जिलोंग को पिंजरे से निकालता है और इससे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। ओस्कार जिलोंग को लेकर लकड़बग्गे के इलाके की तरफ जाता है क्योंकि अब ये सभी लकड़बग्गों को बर्फ में जमा कर मार देना चाहता है। एड इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता है और ये आगे बढ़ते हैं। इधर पेंग को मगरमच्छ ने बांध रखा था। तभी यहाँ पर जोजो आता है और ये मगरमच्छ के सिर पर लोहे का पावड़ा मार देता है जिससे मगरमच्छ यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ये पेंग को भी यहाँ से छुड़ा लेता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर ओस्कार जिलोंग को लेकर लकड़बग्गों के इलाके में जाता है और ये सभी लकड़बग्गों को यहाँ से भाग जाने को कहता है। जब लकड़बग्गे बाहर निकल कर आते हैं तो एड नियाला को देखकर बहुत खुश होता है और ये दौड़कर इसके पास चला जाता है। नियाला भी एड से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर नियाला एड को इसके माता पिता की मौत के बारे में बताती है और ये ओस्कार के बारे में भी बताती है कि कैसे ओस्कार ने सब कुछ देखते हुए भी उनकी मदद नहीं की। ये सुनकर एड को ओस्कार पर गुस्सा आता है और ये ओस्कार से कहता है कि लकड़बग्गों को मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अब जब एड को भी ओस्कार के बारे में पता चल गया था तो ओस्कार एड को भी लकड़बग्गों के साथ ही मार देना चाहता था। इसके बाद ओस्कार ड्रैगन को आगे लेकर आता है और ये इसे लकड़बग्गों के साथ एड को भी बर्फ में जमा देने को कहता है। ड्रैगन लकड़बग्गों को मारना नहीं चाहती थी तो फिर ये लकड़बग्गों पर बर्फबारी नहीं करती है और ये ओस्कार की तरफ मुंह करके अपनी सांसों से इसे बर्फ में जमा देती है। ये देखकर एड बहुत खुश होता है और अब इन्हें पेंग को बचाना था तो फिर ये सभी वापस शेर की पहाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन पेंग और जोजो तो जिलोंग को ढूंढते हुए इस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जोजो ओस्कार को बर्फ में जमा देख बहुत खुश होता है और ये इसके ऊपर नाचने लगता है। तभी इसके नाचने की वजह से बर्फ की परत टूट जाती है और ओस्कार आजाद हो जाता है। ओस्कार आजाद होते ही ये पेंग के पीछे भागता है और तभी जिलोंग और बाकी जानवर भी यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन ओस्कार पेंग को पकड़ लेता है और इसे मारने की धमकी देता है।
और फिर ओस्कार पेंग को जंगल की तरफ लेकर जाता है। जिलोंग कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि पेंग ओस्कार के कब्जे में था। ओस्कार पेंग को भी उसी नदी के पास लेकर जाता है जहाँ से एट के माता पिता गिरकर मर गए थे, और अब ओस्कार पेंग को भी यहाँ से गिराना चाहता था, लेकिन पेंग बहुत बहादुर था तो फिर ये ओस्कार से फाइट करता है और ओस्कार इससे फाइट करते हुए पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर पेंग को ओस्कार की हालत देखकर इस पर दया आ जाती है और ये ओस्कार को अपना हाथ देने को कहता है, लेकिन फिर ओस्कार तो पेंग को भी पानी में गिरा देता है और अब दोनों नदी के बहाव के साथ ही बहने लगते हैं। ओस्कार बहते हुए झरने में नीचे गिर जाता है जिससे ओस्कार की भी यहीं पर मौत हो जाती है। पेंग भी अब बहते हुए झरने में गिरने लगता है और ये जोर जोर से चिल्लाता है। तभी जिलोंग यहाँ उड़ते हुए आती है और ये पेंग को बचा लेती है। पेंग जिलोंग को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। अब जब ओस्कार मर चुका था तो अब शेर की पहाड़ी पर लकड़बग्घे और शेर एक साथ खुशी से रहते हैं। ये देखकर सभी जानवर भी बहुत खुश थे। इसके बाद जिलोंग और पेंग जोजो को भी अपने साथ लेकर वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।